आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में ये होम ब्लॉक दिया हुआ है। इस होम ब्लॉक के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज केस। इस चेंज केस का क्या काम होता है, हम लोग इस चेंज केस को यूज क्यों करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि ये चेंज केस क्या होता है। तो यहाँ पे हम कर्सर लाए, लिखता है चेंज केस के बारे में, चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और द कॉमन कैपिटलाइजेशन। तो कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि हम पावर पॉइंट में बना चुके, ये फाइल सब हम आपको बना के बताए हैं, तो ये सपोज कीजिए कि मेरा बन गया, तो हम चाहते हैं कि अब हमको ये सारा देखिए, हमें स्मॉल में लिखे, हमको कैपिटल में चाहिए, या कैपिटल में टाइप हो गया तो बाद में पता चला कि इसको स्मॉल में लिखना चाहिए था, या हम चाहते हैं कि मेरा हर एक वर्ड का फर्स्ट मेरा कैपिटल हो, तो इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग को चेंज केस का जरूरत पड़ता है। इसमें लिखता भी है, ये लिखता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अब हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, ये हम लोग आज के इस सेशन में समझेंगे। सपोज कीजिए कि डिफॉल्ट में सेंटेंस केस ही रहता है। आप अगर किसी भी वर्ड का सपोज कीजिए कि हम कुछ टाइप करते हैं, सपोज कीजिए कि ग्लोबल लिखे, ये देखिए मैं स्मॉल में लिखे, जो ही आप इसको स्पेस बार दबाएंगे आपका जी देखिए कैपिटल हो गया। तो पहला तरीका हुआ कि आपका पहला वर्ड कैपिटल रहता है। दूसरा नियम होता है कि फुल स्टॉप के बाद हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल होता है, तो फुल स्टॉप दे दीजिए। और सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे फिर कंप्यूटर लिख के स्पेस बार देते हैं, देखिए मेरा कैपिटल हो गया। तो इस टाइप का सेटिंग रहता है, वो तो लेता ही लेता है, आप कर लेंगे। लेकिन हम टाइप कर चुके, अब हमको इसमें इस टाइप का सेटिंग करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे बहुत सारा फाइल बनाए हैं, तो किसी एक पे हम आपको करके समझाते हैं। सपोज कीजिए कि हम ये फाइल बना के रखे हैं, ये देखिए हमारा इसमें क्या पहला जो कैपिटल होना चाहिए था नहीं है। यहाँ देखिए फुल स्टॉप के बाद द जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका स्मॉल में ही है, तो ये तो सेंटेंस ठीक नहीं है। तो अब हम क्या करें, या तो इसको सुधारें, तो अगर लंबा वर्ड है तो इसको आपको इसको ब्लॉक बनाइए, और जो ही ब्लॉक बनाएंगे तो यहाँ पे आप फिर से ब्लॉक बना के आप यहाँ चेंज केस को खोलिए। तो जो ही आप चेंज केस को खोलेंगे, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेंटेंस केस का क्या कंसेप्ट होता है। तो जो ही सेंटेंस केस पे टिक लीजिए आप, देखिए हमारा ये पहला वर्ड एच कैपिटल हो गया और फुल स्टॉप के बाद द मेरा कैपिटल हो गया। तो सेंटेंस केस का मतलब ही होता है कि कोई भी सेंटेंस जैसे हम लोग लिखते हैं तब फुल स्टॉप के बाद पहला कैपिटल, आपको स्टार्टिंग में पहला कैपिटल। तो इस तरह से अगर आपको कोई काम करना है तो हम लोग ब्लॉक बना के या तो शुरू से लिखें तो करेगा, नहीं तो अगर लिख चुके हैं तो ब्लॉक बना के उसको आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप सेंटेंस केस को सिलेक्ट करें, आपको मोड कर लेगा। तो ये हमारा सेंटेंस केस का कंसेप्ट रहता है। दूसरा इसके नीचे लिखता है लोअर केस। सपोज कीजिए कि हम जो ये लिखे हैं मेरा सब स्मॉल कैपिटल मिक्स करके है, लेकिन सबका सब पूरा का पूरा हमको स्मॉल में चाहिए। लोअर केस का मतलब होता है कि सारा वर्ड आपका स्मॉल में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कर्सर हैं ही, आप इसको टिक जो ही लगाएंगे, ये देखिए सारा वर्ड हमारा स्मॉल में हो गया। यहाँ पे एच मेरा कैपिटल में था, द मेरा यहाँ पे भी कैपिटल में था, सब मेरा स्मॉल में हो गया। तो फिर से आप इसको ब्लॉक बनाए और सपोज कीजिए कि अब हमको ये कैपिटल स्मॉल में नहीं रखना है, हमको ये कैपिटल में चाहिए। तो फिर से आप इसको ब्लॉक बनाए और यहाँ पे आप चेंज केस खोलें और लिखता है अपर केस। यहाँ पे फिगर में दिए हुए हुए हैं कि सारा का सारा वर्ड आपको इस रूप में हो जाएगा, तो अपर केस कीजिए। ये देखिए पूरा का पूरा वर्ड मेरा कैपिटलाइजेशन हो गया, मतलब कैपिटल में हो गया। तो हम किसी भी सेंस में किसी भी स्लाइड में ये यूज करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको एक स्लाइड पे बनाए तो इसी पे काम करेगा, आपको जिस स्लाइड में जिसमें काम करना है उस स्लाइड को, उस फिगर को, उस पैराग्राफ को, उस वर्ड को ब्लॉक बना के आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारा अपर केस का कंसेप्ट रहता है कि पूरा का पूरा अगर आपको किसी टाइप में वर्ड में चाहिए कि नहीं अब हमको स्मॉल में नहीं चाहिए, पूरा का पूरा हमको कैपिटलाइजेशन होना चाहिए था,
तो क्या उपाय है कि हम दोबारा टाइप करेंगे अगर ऐसा फैसिलिटी नहीं हो तो? आपके पास ऐसा फैसिलिटी है कि आप इसको ब्लॉक बनाएं और ब्लॉक बना के आप इसको अपर केस कर सकते हैं। अपर केस के बाद में लिखता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का पहला वर्ड अगर आपको कैपिटल चाहिए तो, अगर ऐसा आपको जरूरत पड़ता है कि हर एक वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल चाहिए तो आप इस पे टिक लगाइए। हम ब्लॉक बना चुके हैं तो इस पे आप टिक लगाइए। ये देखिए लिखता है, ये देखिए हर एक वर्ड का पहला वर्ड आपका कैपिटल हो गया। अगर आपको किसी भी सेंस में आपको ऐसा चाहिए काम करते समय कि नहीं हम जो भी लिखे उसका मेरा पहला वर्ड कैपिटल हो, तो आप उसको ब्लॉक बना के उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके नीचे में आप ब्लॉक बना चुके, फिर इसके नीचे देखते हैं टॉगल केस। जो ही आप टॉगल केस करिएगा तो इस रूप में देखिए जो जो मेरा पहला वर्ड बड़ा था वो आपको वो छोटा में आ गया, स्मॉल में आपको आ गया। तो इस टाइप का अगर आपको कंसेप्ट करना है तो लिखता है देखिए यहाँ पे टी और सी का स्मॉल में दिखता है तो टॉगल केस का कंसेप्ट हो जाता है। तो इस रूप में आप इसको यूज करके देखेंगे तो टॉगल केस में ही हो जाएगा। या हम लोग फिर से इसको सपोज कीजिए कि हम लोग लोअर केस कर लेते हैं और तब अगर आप यहाँ पे जाके टॉगल केस करते हैं तो ये देखिए ये बड़ा कर दिया। लेकिन अगर सब बड़ा है, पहला वर्ड आपका हर एक वर्ड का पहला वर्ड बड़ा है और तब आप टॉगल केस करेंगे तो ये देखिए इस रूप से कर लिया। और अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं तो देखिए हर एक वर्ड का फर्स्ट कैपिटल है और तब आप यहाँ पे टॉगल केस करते हैं तो जो जो आपका देखिए कैपिटल था सबको स्मॉल कर दिया। तो अगर आपको ऐसा जरूरत तो पड़ता नहीं है, लेकिन अगर हमको जरूरत पड़ती है कि इस टाइप से हम लिखे कि हर एक वर्ड का पहला स्मॉल हो जाए और बाद बाकी कैपिटल है, तो आप यहाँ से टॉगल केस का यूज करके देख सकते हैं। तो ये चीज हमारा आपको चेंज केस के अंदर में इसका काम रहता है। तो किसी भी सेंस में किसी भी मोड में आप काम कर रहे हो तो आपको सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल, सेंटेंस केस, टॉगल केस, आपको जो मोड चेंज करना है आप जिसको भी करना है उसको आप ब्लॉक बनाए, उसको ब्लॉक बनाए और इसको करें। तो ये हम यहाँ सपोज कीजिए कि स्मॉल लोअर केस कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे क्या करेगा, सपोज कीजिए कि हम इतना ही ब्लॉक बनाते हैं तो आप माउस से बनाइए जैसे ब्लॉक बनाइए और इसी सेंटेंस को हम चाहते हैं कि मेरा कैपिटल हो और सब मेरा स्मॉल ही रहे, तो कोई बात नहीं है उतना का ब्लॉक बनाए और फिर वहाँ से जाके आप अपर केस कर दीजिए। तो इतना अपर केस हो गया। यहाँ पे इस सेंटेंस को हम चाहते हैं कि सेंटेंस केस जैसे यूज करें, तो यहाँ से लेके आपको पहला वर्ड कैपिटल करना है तो शिफ्ट के साथ या माउस से आप ब्लॉक बनाए और यहाँ से हम इसको सेंटेंस केस पे टिक लगाते हैं। देखिए मेरा एज कैपिटल हो गया और बाद बाकी सब स्मॉल रहेगा। तो आप जितना ब्लॉक बनाएंगे, या तो पूरा बनाए, पूरा करना है तो पूरा पे काम होगा, या आप जितना बनाना चाहेंगे उतना ही पे काम हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में रहा कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर में ये चेंज केस का क्या काम होता है। ये चेंज केस में सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस का आप यूज कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।